हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नए बेबी फूड की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें आपके बच्चे अगर सब्जी खाने में आनाकानी करते हैं तो आपके लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। ये कोई नई नहीं है, लेकिन इसको बस मैंने अपने तरीके से बनाया है ताकि इसको बच्चे खा सकें, क्योंकि मेरा बेटा सब्जी खाने में ऐतराज़ करता है, तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चावल लिए हैं कुछ आधी कटोरी, और आधे से थोड़ा कम भीगी उड़द की दाल ली है। इन दोनों को मैंने भिगा दिया है कम से कम 3-4 घंटे के लिए। आप रात भर भी भिगो सकते हैं, ये बिल्कुल डोसा ही बनता है, डोसा ही बनाना है हमें एक प्रकार से, लेकिन मिक्स वेज का। तो अब मैंने क्या किया है कि सब्जी जो आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप उसे काट कर डाल सकते हैं। तो मैंने दाल भीगने के बाद इसमें डाला है टमाटर, सब्जियां जो भी मेरे पास थी, बीन्स वगैरह, शिमला मिर्च, और एक हरी मिर्च काट दी है ताकि थोड़ा टेस्ट आ जाए और चटपटा भी लगे। आप नमक अपने अनुसार डाल सकते हैं और मिर्ची भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और इन सबको मैंने मिक्स में पीस लिया है। अब हम इसका बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसको तैयार करेंगे अपने डोसे को तवे पर। तो इसके लिए मैंने एक पैन में घी लगाया है और उसमें इस बैटर को फैला दिया है, जिस जैसे बिल्कुल डोसा बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही। तो इसमें क्या है कि बहुत ही अच्छी हेल्थी रेसिपी है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस पे क्या है कि आपके बच्चे सारे वेजेस भी खा लेते हैं और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास धुली उड़द नहीं है तो आप इसमें कोई भी दाल डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको 3 से 4 घंटे कम से कम इसे भिगो कर रखना है, और रात को अगर भिगो दे तो बहुत ही अच्छा। तो ये डोसा तैयार हो चुका है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इसके साथ आप कुछ भी बच्चों को सर्व करके दे सकते हैं, इसे बड़े और बच्चे दोनों ही खा सकते हैं। इसे आप आलू के छोले बनाइए या कोई भी सब्ज़ी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी बहुत सब्ज़ी पड़ी हुई है। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए रोज़ कुछ नई वीडियोज़ लेके आऊँ, और कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लगती हैं। थैंक यू।